देखो यारो, एक कंटेनर विथ मोस्ट ऑर्डर 11 नंबर वाला प्रोग्राम है, थोड़ा सा सही प्रोग्राम है, दिमाग पे जोर देने वाला प्रोग्राम है। इजीनेस से आइडिया नहीं आ सकते इसका, अगर सोचने बैठो तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर देना पड़ेगा। तो बेसिकली दिया क्या हुआ है, एक वैल्यू दी है एरे में, ठीक है, हाइट्स करके, ठीक है, इंटीजर एरे, और यहाँ पे उसका वैल्यूज का आप चार्ट देखो, ठीक है। इसने यहाँ पे क्या किया कि ईच एंड एवरी वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको यहाँ पे बार चार्ट में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। वैल्यू 1 उसका ऐसे और अप टू 8 तक, मैक्सिमम वैल्यू तक, ठीक है, और सभी जगह पे बार्स ऐसे किए है। ढूंढना ये है कि ऐसे 2 बार्स हमें निकालने हैं जिसके अगर बीच में अगर पानी भरा जाए तो ऐसे 2 कौन से बार होंगे जिसमें सबसे ज़्यादा पानी भरेगा अगर हम उसको 2 बार्स निकालें। तो एग्जांपल कोड में देखो, यहाँ पे 8 नंबर वाला बार है, 8 वैल्यू वाला, और लास्ट वाला जिसकी वैल्यू 7 है, इसके बीच में जो इतना भी पानी भरा है वो सबसे मैक्सिमम है, ठीक है। तो एग्जैक्टली हमें वही 2 बार निकालने हैं, अगर उसमें अगर पानी भरा जाए इस 2 बार के बीच में तो ऐसे कौन से 2 बार हो गए जिसमें सबसे ज़्यादा पानी भरे हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है, ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन यही बनता है कि साला एरिया निकाले कैसे, ठीक है, ऐसे कैसे ढूंढे एरिया। यहाँ पे इसने 49 आंसर दिया है, तो कुछ कैसे यहाँ पे कुछ सोच समझ के ये 49 है, तो ये 49 आया कहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे हिंट में भी इसने लिखा है, हाउ कैन यू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर एट ईच स्टेप। थोड़ा ध्यान से देखे तो यहाँ पे देखो, इसने 2 बार के बीच में एक थोड़ा सा ब्लू रेक्टेंगल जैसा ड्रॉ किया है, ठीक है, मतलब ये ऐसा एक रेक्टेंगल स्क्वायर जो भी है, रेक्टेंगल है, ठीक है, इसके बीच में पूरा एक पानी भर के बताया एग्जांपल कोड में, चार्ट में, ठीक है। तो स्कूल में पढ़ा है, कॉलेज में भी पढ़ा है कि अगर रेक्टेंगल स्क्वायर हमें उसका ऑब्जेक्ट का जो एरिया निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, सिंपली विड्थ इंटू हाइट करते हैं, ठीक है, विड्थ इंटू हाइट, तो हमें उसका एरिया मिल जाएगा। ये स्कूल में भी पढ़ा है और कॉलेज में भी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो बार है 8 नंबर वाला और यहाँ पे 7, तो इसकी जो विड्थ है ना सबसे ज़्यादा बन रही है और सबसे हाइट में भी ये ही है, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन ये भी बनता है कि 8 नंबर वाला क्यों, क्योंकि अगर 8 नंबर वाला क्यों कंसिडर करेंगे तो इसकी विड्थ कम हो जाएगी और हाइट में 1 पॉइंट ही बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली उसका एरिया कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो बेसिकली प्रिंसिपल ये बनता है कि लॉजिक यही बनता है कि पहले बार लेंगे और लास्ट वाला बार लेंगे, उसके बीच का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, फिर ए वाला लेंगे, फिर आगे वाला, फिर आगे वाला, और पीछे से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, मैं यहाँ पे एक वैल्यू ले लेता हूँ पहले, तो मैक्स एरिया जो हमें निकालना है, ठीक है, ज़ीरो, ठीक है, इंटीजर लेफ्ट इक्वल टू में 0 करता हूँ, ठीक है, और इंटीजर राइट राइट इसकी वैल्यू में यहाँ पे इंडेक्स लेनी है बेसिकली। सो ये हाइट्स वाला वेरिएबल डॉट साइज -1, ठीक है। सो मैं फर्स्ट वाली इंडेक्स और लास्ट वाली इंडेक्स का पहले कैलकुलेशन करेंगे, फिर उसके बाद आगे का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली एक व्हाइल लूप चलाते हैं, ठीक है। सो इसमें लॉक कंडीशन क्या बनती है कि हमारा लेफ्ट जो है वो लेस देन राइट होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो, पहले तो हमें विड्थ निकालनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 बार के बीच में कितनी विड्थ बन रही है, वैल्यू बन रही है, ठीक है, डिफरेंस कितना है 2 वैल्यू के बीच में, ठीक है। सो ए वाला वैल्यू और ए वाला वैल्यू, मतलब कि हमारा मैक्सिमम लेफ्ट राइट माइनस विड्थ, यहाँ पे लिखता हूँ राइट माइनस लेफ्ट, ठीक है, तो मुझे 2 वैल्यूज के बीच का डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। अभी हमें मिनिमम हाइट भी लेनी है, ठीक है, तो जो 2 बार से उसमें से मिनिमम वाला कौन सा है, ठीक है। अभी क्वेश्चन ये बनता है कि भाई मैक्सिमम वाला क्यों नहीं। देखो, अगर मैं ये 2 बार को कंपेरिजन कर रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट वाला और 8 वाला, तो मुझे मिनिमम चाहिए क्योंकि मेरा मैक्सिमम वाटर यहाँ पे रेक्टेंगल बनेगा तो इतना ही बनेगा, तो मुझे मिनिमम वाला वैल्यू चाहिए, ठीक है। सो मीन हाइट करके एक वैल्यू लेते हैं, ठीक है। सो स्टैंडर्ड मीन वाला फंक्शन कॉल कर लो, ठीक है। सो
मैं लेफ्ट ऑफ आई, हाइट जो है अपना, ठीक है, उसका लेफ्ट वैल्यू और उसी का ही राइट वाला जो दो वैल्यू है उसमें से मैं मिनिमम निकालूंगा, जो दो वैल्यू का अभी हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। सो मेरे यहाँ पे विड्थ हाइट भी मिल गई और विड्थ भी मिल गई, ठीक है। तो अभी सिंपल बात है कि एरिया निकालना है। एरिया, करंट एरिया मैं बोलता हूँ यहाँ पे, करंट एरिया इक्वल टू विड्थ इन टू हाइट। जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई किसी का एरिया निकालना है दो बीच में रेक्टेंगल और स्क्वायर का, तो विड्थ इन टू हाइट करता तो तुम्हें मैक्स एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो मैक्स एरिया में भी हम अपेंड करते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे हमें वैल्यू मिलती जाएगी। यहाँ पे मैं मैक्स वाला फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। जो दो वैल्यू वैल्यू है, करंट एरिया और मैक्सिमम एरिया, उसमें से हम अपेंड करते जाएंगे, वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो ये तो चलो लॉजिक हो गया, ठीक है। अभी बात है कि आगे बढ़ाने के लूप को, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले ये रिटर्न कर लेता हूँ, रिटर्न मैक्स एरिया, कहाँ थे हम, लूप को आगे बढ़ाना है, ठीक है। देखो यहाँ पे सिंपल लॉजिक ये बनता है कि अगर हमारा लेफ्ट वाला एलिमेंट, ठीक है, अगर राइट वाले से छोटा है, ठीक है, तो मुझे लेफ्ट में एक स्टेप आगे बढ़ना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्लस इक्वल टू करता हूँ, इक्वल टू करता हूँ, प्लस प्लस, ठीक है। लेकिन अगर छोटा है तो मैं यहाँ से राइट से आगे बढ़ूँगा, तो राइट में मुझे माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हम पीछे से चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लॉजिक है। अभी यहाँ पे ये कंडीशन क्यों चेक करवाई, क्योंकि यहाँ पे समझो कि यहाँ पे मेरा 1 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे 7 है, तो ऑब्वियसली 1 इज़ लेस देन 7, तो मुझे अभी एक स्टेप आगे बढ़ना है। इसको यहीं पे ही रखेंगे अभी, उसके नेक्स्ट वाले का जो हाइट है उसके उसके साथ कैलकुलेशन करके वो चेक करना है, ठीक है। अभी इसके अभी यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है, उसके बाद 8 और 7 का बीच का विड्थ निकलेगा और उसका कैलकुलेशन होगा। लेकिन उसके नेक्स्ट इटरेशन में यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि 8 इज़ ग्रेटर देन 7, तो हमारा राइट से आगे बढ़ेगा और इसके साथ एरिया निकालेगा। तो और जो भी एरिया सबसे मैक्सिमम बना हुआ है, वो हमारे वेरिएबल में सेव रहेगा, ठीक है। अभी इसको रन करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, साइज, ओके। देखो सारे टेस्ट केसेस, दो ही टेस्ट केसेस है, पास हो गए हैं, ठीक है। इसको सबमिट करके चेक करते हैं, नया टेस्ट केस मिलेगा, अगर आंसर सही है तो हो जाएगा सबमिट, ओके, सबमिटेड। सी आंसर इज सबमिटेड, लॉजिक मीन्स राइट, लॉजिक सही है, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि लॉजिक एक्जेक्टली है क्या। मैंने यहाँ पे पहले तो दो बार के दो वैल्यू के बीच की विड्थ निकाली, मतलब डिफरेंस निकाला, वो हमारा हो गया विड्थ, ठीक है। मैंने ए वैल्यू और ए वैल्यू के दोनों के बीच की विड्थ निकाली, मतलब डिफरेंस निकाला, तो हमारा हो गया विड्थ। अभी मुझे ये दो बार में से मिनिमम वाला कौन सा है, तो तुमने यहाँ पे देखा ए 8 वाला और ए 7 वाला कंपेरिजन हुआ है, तो यहाँ पे मिनिमम तक की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम तक गए होगे, तो यहाँ से वो सारा पानी पानी तो बाहर ही निकल गया होगा अगर तुम विजुलाइज करो तो यहाँ पे तक की वाटर कंटेन होगा, स्टोर होगा, तो यहाँ पे हम इसलिए हमने मिनिमम वैल्यू ली है, ठीक है। और आगे करंट एरिया कैलकुलेट किया विड्थ इन टू हाइट, और उसके बाद जो करंट एरिया आया है और उसके पहले हमने जो मैक्स एरिया हम स्टोर करवा रहे हैं वैल्यू, वो हम यहाँ पे चेक करवा के अपडेट करते जा रहे हैं और स्टेप को आगे बढ़ा रहे हैं लूप को। देखो इसको तुम ब्रूट फर्स्ट मेथड से भी ट्राई कर सकते हो, दो लूप आए और जेके घुमा के, ठीक है, ईच एंड एवरी एलिमेंट को अगले अगले वाले एलिमेंट के साथ कंपैरिजन करके चेक करवा सकते हो। लॉजिक तो सेम ही रहेगा, कोई डिफरेंस आएगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें आई और जे की लूप घुमानी है, ठीक है, एंड बाकी सेम नहीं रहेगा। प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट इफ यू एनी क्वेश्चन अबाउट दिस प्रॉब्लम, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड, एंड सब्सक्राइब दी माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट इन नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।